भाई और बहनों, वो गोदी मीडिया को भी देखा होगा, कैसी तुमको बदनाम कर रही थी। भाई और बहनों, लॉकडाउन ध्यान में है, लॉकडाउन का पालन करना है। भाई और बहनों, हमें ईदगाह में नहीं जाना मेरे भाइयों, नमाज घर पे ही अदा करनी है, और ना ही दुकान पे जाना है, ना ही रिश्तेदारी में जाना है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मुस्तफा हसन सैफी नौगांव सदा से बोल रहा हूँ। मेरी आप सभी से इस लॉकडाउन के बारे में यह अपील है, कृपया, हमने सारी इबादत अपने घर पे बैठ के की है और करते रहेंगे जब तक लॉकडाउन चलेगा। ना ही तो हम मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ना ही हम बाजारों में कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, ना ही हमें ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह में जाना है। आपसे मेरी सभी से इस चीज की अपील है, ये अपील है, कृपया, हमारी सरकार ने कहा है कुछ दुकानें हम खोलेंगे, जैसे चप्पल, जूती, कपड़ा, इस चीज की दुकान खोलने के लिए हमें सरकार ने ऑर्डर दिया है। तो कृपया, मैं अपने भाइयों से इस चीज की अपील करूंगा कि कृपया वो मार्केट ना जाएं, अपने घर पे रहें और घर पे ही इबादत करें और घर पे ही अपना काम जैसे भी है करना है उसको वैसे ही संभालना है। देखिए, अगर हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, घर पे ही हैं, ना ही हम अपनी रिश्तेदारों में जा रहे हैं, ना अपने ससुराल में जा रहे हैं, ना अपनी बहनों के यहाँ जा रहे हैं, तो भाइयों, हमें मार्केट में जाने से क्या फायदा होगा। अगर हम घर पे ही कपड़े पहन रहे हैं, घर पे हम अपने जूती चप्पल पहन रहे हैं, तो भाई हमारे पास तो है पहले से ही, उन्हीं को पहन के अपना भाई इस वक्त को गुजारना है। भाई और बहनों, वो गोदी मीडिया को भी देखा होगा, कैसी तुमको बदनाम कर रही थी। भाई और बहनों, लॉकडाउन ध्यान में है, लॉकडाउन का पालन करना है। भाई और बहनों, हमें ईदगाह में नहीं जाना मेरे भाइयों, नमाज घर पे ही अदा करनी है, और ना ही दुकान पे जाना है, ना ही रिश्तेदारी में जाना है। वो गोदी मीडिया को याद है, एक ही समुदाय को बदनाम करना, फिर तुम्हारा ये मौका आ रहा है, एक ही समुदाय को बदनाम करेंगे, इस गोदी मीडिया का ध्यान रखना, ये तुमको बदनाम करना चाहेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि घर पे ही रहना, ईद की नमाज भी घर पे ही पढ़ना, मार्केट कपड़ा खरीदने नहीं जाना, कपड़े या पुराने कपड़े पहनो जो आपके पास रखे हुए हैं, उसी से अल्लाह तुम्हारी इबादत को, तुम्हारी ईद को, तुम्हारी नमाज को कबूल करेगा। मुझे यकीन है और सभी भाइयों को यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी मेहनत जाया नहीं जाने देगा, वो मेहनत हमारी वसूल करेगा, कबूल करेगा। लॉकडाउन को सफल बनाना है, लॉकडाउन का ध्यान रखना है, लॉकडाउन का पालन दिल से करना है, कोरोना को हराना है और कोरोना से इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।